जनपद संभल की सदर कोतवाली इलाके के एल तालाब में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से दो दर्जन से अधिक भैंसों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर कोतवाली पुलिस और बिजली विभाग के लोग पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल व्याप्त है। दरअसल घटना दोपहर उस समय की बताई जा रही है जब कोतवाली क्षेत्र के शेरखां सराय स्थित तालाब में लोग अपने जानवरों को नहलाने और पानी पिलाने के लिए ले गए थे कि तभी अचानक तालाब के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन वायर टूटकर गिर गई, जिससे पूरे तालाब में हजारों वाल्ट का करंट फैल गया और पानी में मौजूद लगभग 28 भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों भैंस घायल बताई जा रही हैं। घटना के वीडियो जो सामने आया है वो बेहद डरावना है, क्योंकि तालाब में चारों तरफ भैंसों के शव नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग जिंदा भैंसों को पानी से निकालने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए हैं। मौके पर मौजूद भैंसों के मालिक सहमे और गमजदा हैं, क्योंकि उनका लाखों रुपये का नुकसान तो हुआ ही है, 28 जानवरों की भी जान बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक झटके में चली गई। हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के साथ बिजली विभाग के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भर गया। संजय पाल, कैसे हुआ ये हादसा? तार गिरा पहले, फिर जो है मैंने हाथ से उससे लकड़ी से बचाया डंडे से, इतने लौटती चली गई। तुम्हारे तो नहीं लगा करंट? ना मेरे। कितनी भैंसे होंगी? ये 30 भैंस वैसी हैं, 28 तो मर गई और कुछ बेकार हो गए। सब कितनी थी? हो गई करंट कितना लगा है? सब कितनी? सब तो ऐसी है, करीब 40-45 भैंसे। कितना नुकसान होगा? कितने का नुकसान होगा, कितने की होंगी सब भैंसे? नुकसान तो बहुत है इसमें, अब ये तो देखना पड़ा कितनी सही। आइडिया बता दो, लगभग एक भैंस कितनी कीमत की होगी? एक भैंस तो अभी ली 1,05,000 की जो पड़ी है वहाँ पर। भैंस की बहुत कीमत है, एक एक लाख तो पैसा नीचे की कोई ना है।